मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत तकनीक व नए नए प्रयोग का इस्तेमाल कर एक तरफ जहां सुविधाओं को बेहतर बना रहा है तो वहीं इससे देश को बचत भी हो रहा है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया से एक ओर जहां देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है तो दूसरी ओर इससे देश के खर्चे भी कम हो रहे हैं। दरअसल भारतीय रेलवे के मिशन 100% विद्युतीकरण और कार्बन मुक्त एजेंडे को ध्यान में रखते हुए डीजल इंजन कारखाना वाराणसी ने डीजल इंजन को नए प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक इंजन में विकसित किया है। 2600 हॉर्स पावर के WAGC 3 श्रेणी के इंजन को 5000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी तकनीक से इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने का काम मात्र 69 दिन में ही पूरा किया गया है। ये कार्य बतलाता है कि मोदी सरकार में सरकारी संस्थानों के कार्य करने का तरीका बदला है। हर काम तय समय सीमा के तहत किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक केवल 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक में बदला गया है, जबकि डीजल इंजन का मिड लाइफ सुधार करने में 5 से 6 करोड़ का खर्च आता है। इस तरह से रेलवे ने आधी लागत पर इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। इससे रेलवे का ईंधन में खर्च तो बचेगा ही, साथ ही साथ इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कटौती होगी। वाराणसी में स्थित डीजल रेल कारखाना डीरेका अगले सत्र से डीजल इंजन की बजाय केवल विद्युत रेलवे इंजनों का उत्पाद करेगा। डीरेका को 2018-19 के लिए 173 विद्युत इंजनों के उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। बाद में अक्टूबर में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 400 कर दिया गया था। 2018-19 से 2021-22 तक डीरेका कुल 998 विद्युत इंजन बनाने का लक्ष्य लेकर काम करेगा। नवंबर 2018 तक डीरेका ने 8,306 रेल इंजन बनाए हैं। इसमें 11 देशों को निर्यात किए गए 156 रेल इंजन भी शामिल हैं।